अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी चैनल मेरे ब्लॉग में आपका इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज कई दिनों के बाद हम हाजिर हैं। कुछ ज़िंदगी के कामों की वजह से थोड़ा अटक गए थे काम में, पर इंशाअल्लाह आज ज़िंदगी फिर पटरी पर लौट रही है। तो दोस्तों, आज हम हाजिर है सहरे देवरा जी से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है जमनावाड़, और जमनावाड़ गांव के अंदर ही एक अल्लाह के कामिल वली आराम फरमा रहे हैं। आपका नाम है हजरत गेबन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह है। दोस्तों, आप गेबी पीर है, आपके बारे में कुछ मालूमात मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, पर इंशाअल्लाह यहाँ कभी उर्से पाक में आना हुआ तो यहाँ के खिदमतगार जो खादिम हैं उनसे मालूमात लेके इंशाअल्लाह हम कुछ बताएंगे आपको। और दोस्तों, एक ख़ास बात यह है कि आपकी मज़ार पाक की तामीर 27 रमज़ान को हुई, और आपका उर्से पाक 3 रजब को हर साल शानो शौकत से मनाया जाता है। तो इंशाअल्लाह उर्से पाक में कभी आना हुआ तो उर्से पाक के जलवे भी दिखाएंगे, और इंशाअल्लाह बाबा के बारे में कुछ मालूमात भी बताएंगे। और दोस्तों, आप ये गांव देख रहे हो, ये छोटा सा एक गांव है जमनावाड़ गांव, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ये गांव है। और इस तरह का मज़ार पाक का लोकेशन है, इस तरह की गुंबद है, इंशाअल्लाह जो आपने हाईलाइट में देखा इस तरह का ही है। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर हाजिरी देना। आइए, मैं आपका वक्त ना लेते हुए हजरत गेबन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक की ज़ियारत कराता हूँ, फिर कुछ अच्छी बातें करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु या शेख। आइए असलम भाई, गिलाफ चढ़ाते हैं। दोस्तों, तो ये है मज़ार पाक हजरत गेबन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की। आज मैं हजरत गेबन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप सारे दोस्तों का सलाम पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह इनके वसीले से आपके सारे बिगड़े काम हो जाएं, और आपकी दुनिया भी सुधर जाए, और आपकी आखिरत भी संवर जाए। दोस्तों, तो ये है मज़ार पाक हजरत गेबन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की। आपको कभी मौका मिले, सहरे दोरा जी से 5 किलोमीटर दूर ये गांव मौजूद है जमनावाड़, और ये गांव के अंदर ही दरगाह मौजूद है। आप किसी को भी पूछोगे तो वो बता देंगे, और इंशाअल्लाह दोस्तों ऐसे मकामों पर जाया करें दोस्तों, अल्लाह वालों के दरबार पर जाके हमको कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारे दिल यहाँ पर कुछ ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गए, क्योंकि दोस्तों आज हमने अल्लाह से डरना बिल्कुल बंद कर दिया है। हम अल्लाह से आज डरते नहीं हैं दोस्तों, और ये अल्लाह वाले अल्लाह के वली कब बने, अल्लाह के महबूब कब बने, कि क्योंकि दोस्तों इनके पास तो हर तरह की पावर ऑफ पैटर्न थी, फिर भी अल्लाह से डरते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। और आज हमारे पास क्या है, हमने आखिरत के लिए क्या जमा किया है, कुछ जमा नहीं किया, बस दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, अल्लाह का खौफ नहीं है हमको दोस्तों।
तो हमें ख़ास अल्लाह का खौफ करना चाहिए। और दोस्तों इसके पीछे एक मैं छोटा सा वाकया आपको बताऊंगा, और ये वाकया मैंने कल ही जुमा का दिन था हमारी मस्जिद फजल हक बाबा की मस्जिद में हमारे इमाम है उन्होंने वाइज़ो नसीहत में ये बताया। दोस्तों एक राजा थे, उन्होंने सोचा कि मेरा तख्त ताज मैं मेरे मरने के बाद किसको सौंपूंगा, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरी कब्र में मेरे मरने के बाद जो एक रात गुजारेगा उसको मेरे तख्त ताज मैं दे दूंगा। तो दोस्तों सब मौत से डर रहे थे, कोई आगे ना आया। फिर वो गांव के अंदर एक गधे का मालिक कि जिसके पास सिर्फ एक गधा था, वो मालिक आया। वो उसने सोचा मालिक ने कि मेरे पास क्या है, एक गधा है, चलो ज़िंदगी अच्छी बसर होगी। तो उसने ये राजा की शर्त कबूल कर ली, और उसके बाद राजा ने दुनिया से चला गया वो। तो फिर वो कब्र के अंदर राजा के साथ एक रात गुजारने की दौड़ में निकल पड़ा और वो कब्र में गया। जैसे ही रात का वक्त आया तो फरिश्ते आए, फरिश्तों ने पूछा तुम कौन हो, क्या हो। फिर फरिश्तों को इसने ये पूरी बात बताई, पर दोस्तों फरिश्तों ने उससे कहा कि तूने, वो एक टाइम की बात है कि तूने उस वक्त में अपने गधे को खाना पीना नहीं दिया था, तो कि हाँ मैंने नहीं दिया था। तो अल्लाह ने बोला कि इसको 100 कोड़े मारो, तो उसको 100 कोड़े मारे और वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। फिर फरिश्तों ने उसको पूछा एक के तुमने गधे के ऊपर उस वक्त के अंदर उसकी कमर के ऊपर गधे के ऊपर बहुत सारा सामान लाद दिया था कि वो उठ भी नहीं सकता था, तो कि लाद दिया था। तो अल्लाह ने फिर कहा कि फिर 100 कोड़े मारो, उसको फिर 100 कोड़े मारे। ऐसे करते करते रात गुजर गई। फिर सुबह का वक्त हुआ तो वहाँ पर बहुत लोग जमा हो गए कि अभी हमारा नया राजा निकलेगा जिसको हम तख्त ताज देंगे। जैसे ही कब्र खोली वो निकला, वो रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा भागा कि उसके पीछे पूरा गांव भागा कि अरे भाई तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम हमारे राजा हो। तो उसने बोला कि मैं एक गधे का मालिक कि एक रात में हिसाब किताब ना दे सका, तो ये पूरे तख्त ताज का हिसाब किताब मैं क्या दूंगा। तो दोस्तों हमको अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ों से नहीं नवाजा, दोस्तों हमने ज़रा भी कद्र नहीं की है दोस्तों, कि आज हमको मरने के बाद हर चीज़ का हिसाब देना है। आज हमको कुछ कदर नहीं है, हमारे पास कितना पैसा है, गाड़ियाँ, मकान, सब कुछ है दोस्तों, फिर भी हमको कदर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ख़ास हमें अल्लाह से डरना चाहिए दोस्तों। हम अल्लाह से डरेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी और हमारी आखिरत भी इंशाअल्लाह संवर जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, और ख़ास बात, अल्लाह वालों के दर पर जाएं और अल्लाह के घर पर ख़ास जाया करें दोस्तों। और अपने दोस्त इमरान और आपके दोस्त असलम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फी अमानिल्लाह।